तो अल्टीमेटली जब स्लाइड करने वाला होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन हम इस एज पे अप्लाई कर देंगे इस एज के अबाउट तो तो हम उसका जो है सेंटर ऑफ टॉर्क टॉर्क बैलेंस करेंगे टपल करने के लिए इसमें क्लॉक वाइज नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए मतलब एम जी थीटा और ये क्यूब है एम जी साइन थीटा इंटू ए बाई टू माइनस एम जी कॉटा इंटू ए बाई टू होता है तो यहाँ पे हमने एच बाई फोर पे सेंटर ऑफ मास डिनोट कर दिया ये बाई फोर रेडियस है इसकी आर फिर से वही चीज एम जी थीटा एम जी थीटा ये है एम जी साइन sin थीटा फ्रिक्शन बेस पे और जस्ट रोटेट करने वाले केस में ये क्या होगा जस्ट एज पे होगा ये यहाँ पे जस्ट एज पे होगा ये नॉर्मल एक्शन इस पॉइंट के अबाउट जीरो करेंगे तो जीरो करेंगे तो होगा एम जी साइन थीटा का टॉर्क एम जी साइन थीटा इंटू एच फोर माइनस माइनस एम जी थीटा इंटू आर थी तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू एच बाई फोर माइनस इज इक् ग्रेटर टू एम जी कॉस थीटा इंटू आर एम जी तो कैंसिल हुआ टैन इन्वर्स फोर आर बाई हीच सो मिनिमम थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स फोर आर बाई हीच बिल्कुल आर बाई हीच यस सर यस सर थीटा गेट अदर इक्वल टू फोर आर बाई हीच सो थीटा मिनिमम इज इक्वल टू टैन इन्वर्स फोर आर बाई अब नेक्स्ट है क्यूब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है जो क्यूब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पूछा गया व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्यूब इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वी मास इसका एम है और ये कांस्टेंट स्पीड वी से मूव कर रहा है फाइंड द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कुछ टॉपलिंग नहीं है जस्ट नॉर्मल रिएक्शन का कितना टॉर्क है वो सोचना है ये मान लो वी स्पीड से मूव कर रहा है स्पीड है इसकी वी तो वी स्पीड से मूव कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा स्टैटिक क्यों फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक होगा yes, sir. स्टैटिक होगा नो सर काइनेटिक 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 होगा. अब यहां से हम देखेंगे नॉर्मल को बाद में सोचेंगे तो सेंटर ऑफ मास के बोर्ड फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है मतलब तो अगर ये क्यूब स्लाइड कर रहा है तो इसके टॉपल करने के चांस है किस सेंस में एंटी क्लॉक सेंस में तो अगर ये टॉपल नहीं कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो नॉर्मल जो होगा वो क्लॉकवाइज में होगा मतलब नॉर्मल कहीं नॉर्मल कहीं से ऐसे प्रोवाइड कर रहा होगा कहीं एक्ट कर रहा होगा कहीं पे भी हो सकता है ये हाँ बट सेंटर ऑफ मास से एक्ट नहीं कर रहा होगा तो ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि नॉर्मल टॉर्क ऑफ नॉर्मल इज दिया होगा ये क्वेश्चन और उसमें दिया होगा स्टेटमेंट टॉर्क ड्यू टू तो नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो

तो है और साथ ही साथ एम जी साइन थीटा भी है ये और एन इक्वल टू एम जी कॉस्थीटा ये क्यूब है अब हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये रोटेट भी नहीं कर रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जीरो नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट अबाउट एनी पॉइंट हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंसीडर करेंगे तो जितना फ्रिक्शन का टॉर्क होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क होना चाहिए

फ्रिक्शन के वैल्यू पता है तो नॉर्मल उसका टॉर्क भी बता सकता हूँ इस पॉइंट के अबाउट ये हो जाएगा a/2 sin थीटा a/2 a/2 सो हम्म हां तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा a/2 a/2 यस सर तो ऐसे बैलेंस करना है रिजिट बाड़ी, रिजिट बाड़ी के केस में अच्छा पहले आ, पहले वाले जो केसेस होते थे ना कल अनिक ने शायद मैसेज किया था कि कोई जो भी जो हम कनेक्टेड मोशन वाले केसेस सॉल्व करते हैं कि ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले अगर हम सॉल्व करते हैं ऐसे केस में यहाँ पे जितना भी अभी रोटेशनल से पहले था ना सब में हम पार्टिकल एज्यूम करते थे पार्टिकल एज्यूम करने का मतलब क्या है वो स्मॉल साइज बहुत स्मॉल है तो उसमें हम ये कंसीडर फाइनाइट नहीं करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एक्ट करेगा इधर एक्ट करेगा अगर हम इसको फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो उसमें भी नॉर्मल शिफ्ट होगा लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं उनको पार्टिकल लेते हैं पार्टिकल लेते हैं मतलब पूरे मास को हम क्या कर सकते हैं मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे ही लोकेटेड है सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल टाइप से बिहेव कर रहा है अगर रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे तो वहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा टॉपल हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों तरह के चांसेस हैं या तो वो टॉपल कर जाए या तो वो ट्रांसलेट करे ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो फ्लूड में होगा कि किसी कंटेनर में अगर हम होल करते हैं शायद जैसे मान लो होल किया तो कंटेनर से अगर फ्लुइड बाहर निकलना स्टार्ट करता है तो उससे कुछ फोर्स एड करता है तो ये होता है कि भाई सडनली जैसे देखा होगा कभी कहीं पे कोई छोटा सा बॉटल है उसमें अगर पिन होल हुआ तो वो बॉटल जो है वो गिर सकता है ऐसे केस में तो बहुत सारे ऐसे केस हैं कि अगर फोर्स एड करता है तो ट्रांसलेट भी कर सकता है रोटेट कर सकता है जैसे हमने एफ इजिकल टू एम ए वाले क्वेश्चन किए थे लॉज ऑफ मोशन में तो वहां फोर्स अप्लाई हो रहा था ऐसा हो सकता है कि भाई वो टॉपल ही कर जाए ब्लॉक तो पहले के सारे क्वेश्चन जितने हैं वो सारे पार्टिकल एज्यूम किए हुए हैं इसलिए डायमेंशन हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगर डायमेंशन कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे तब फिर रिजिट बॉडी की तरह से देखना पड़ेगा तब फिर उसमें नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है नॉर्मल और नॉर्मल ही शिफ्ट होता है नॉर्मली नॉर्मली नॉर्मल शिफ्ट होता है हमेशा ठीक है तो इक्विबियम हो गया इक्विबियम के बाद है एक्सलेटेड प्योर रोटेशनल मोशन प्योर रोटेशन और सिर्फ रोटेशन तो प्योर रोटेशन में प्योर रोटेशन होगा तो यहां से कोई भी रिजिड बॉडी है, है। एक्सिस ऑफ़ रोटेशन है. प्योर रोटेशन की खास बात क्या होती है कि ऑल पॉइंट्स हैव द सेम थीटा ओमेगा एंड अल्फा सारे पार्टिकल्स के थीटा ओमेगा एंगुलर वेरिएबल्स एंगुलर वेरिएबल सेम होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल का पाथ सर्कुलर सर्कुलर होगा सर्कुलर सर्कुलर होगा एम वन आर वन ऐसे एम टू आर टू अब ट्रांसलेशन में जैसा हमने किया है सेम उसका एग्जैक्ट रेप्लिका हमें प्योर रोटेशन में करना है मतलब जैसे ट्रांसलेशन में एफ इक्वल टू एम ए था यहाँ पे भी उसके इक्वल क्या है ट्रांसलेशन में जो है लीनियर मोमेंटम था एम एन टू बी यहाँ पे क्या है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ट्रांसलेशन में जैसे वर्क डन था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा टॉर्क टॉर्क

कई सारे पार्टिकल्स हैं उसकी खास बात क्या है कि डिस्टेंस चेंज होती नहीं है अब इसमें जो प्लेन ऑफ सर्किल है पार्टिकल्स की जो प्लेन ऑफ सर्किल है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो डिफरेंट डिफरेंट मासेज हैं अब मान लिया कि टॉर्क जीरो नहीं है टॉर्क जीरो नहीं है इक्विलिब्रियम नहीं है वो रोटेट हो रहा है जब रोटेट होता है उस केस में अगर हम देखना चाहें तो किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वन 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 के लिए तो अल्फा ए अगर ये एक्सलेट होके अभी अल्फा से अगर रोटेट करना स्टार्ट किया अल्फा से अगर रोटेट कर रहा है सिर्फ तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो इसमें कितना है आ, ओमेगा क्या है जीरो भाई सर्किल पे अगर कोई पार्टिकल जाता है तो सर्किल वाले पार्टिकल के पास दो एक्सलेशन होते हैं एक सेंटीमीटर होता है और एक टेंजेंशियल होता है टेंजेंशियल क्या होता है अल्फा मान लिया हमने एमोन के लिए देखा और ओमेगा जीरो है तो ओमेगा इस पे जीरो होगा इस्फा आर वन तो जो एम इंटू ए वन होगा टॉर्क ऑन पार्टिकल वन वो क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे फोर्स कितना होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स कितना है मास इनटू एक्सलेशन तो ये हो जाएगा एम वन इंटू अल्फा आर वन इंटू आर वन तो टॉर्क ऑन वन पार्ट के अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो ये हो जाएगा एम अल्फा एम आर वन स्क्वायर ये है टॉर्क तो अब इस रिजिड बॉडी पे नेट टॉर्क नेट टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क मान लिया एन पार्टिकल्स हैं ये हो जाएगा अल्फा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अप टू एम एन आर एन ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा अल्फा इन टू आई या आई अल्फा तो ये क्या है ये जैसे लॉज ऑफ मोशन था पार्टिकल के लिए F इक्वल टू एम इन टू तो फोर्स का इक्वलेंट रोटेशन में टॉर्क मास का इक्वलेंट रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और A का रोटेशनल इक्वलेंट एंगुलर एक्सलेशन मतलब सेम ही टाइप की क्वांटिटीज हैं कि जैसा F इक्वल टू एम ट्रांसलेशन के लिए था लीनियर एक्सलेशन जनरेट कर रहा था अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क एक्ट करेगा तो वो एंगुलर एक्सलेशन जनरेट करेगा वो फास्टर रेट एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा तो एनालॉजी से हम यहाँ पे समझ सकते हैं मास वहां पे जो था भाई मास एक कांस्टेंट चीज है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में क्या होता है वेरी करता है एक ही ऑब्जेक्ट है अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहता है तो ये है इसका टाव इज इक्वल टू आई अल्फा तो अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क होगा तो वो एक्सेलरेट होगा और वो होगा आई इन टू अल्फा अब दूसरा है इसमें कि ठीक है यहाँ पे अगर ये टॉर्क एक्ट किया तो ये कुछ कानिक एनर्जी मान लो गेन करना स्टार्ट करेगा कुछ फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा तो सपोज करो कि मुझे इस पे रोटेशनल वर्क डन भी जानना है कि इज रोटेशनल वर्क डन किसी फोर्स का तो रोटेशनल वर्क डन रोटेशनल वर्क डन थोड़ा सोचो कि जैसे मान लो कि ये रिजिड बॉडी थी रिजिड बॉडी का कोई पॉइंट था एम वन और उस एम वन पे फोर्स एक्ट किया तो सर्किल पे जा रहा है तो उस उसपे फोर्स एक्ट किया फोर्स एक्ट कर रहा है कितना फोर्स कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो फोर्स हमने फाइंड किया वहां से और इससे ये डी थीटा का रोटेशन कर रहा है थीटा पे तो रोटेशन ही होगा डी थीटा का रोटेशन कर रहा है तो डी थीटा, तो थीटा का अगर रोटेशन कर रहा है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर डी थीटा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आर वन इंटू डी थीटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फोर्स के वजह से अगर वो रोटेट हुआ तो वर्क डन वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर एफ वन हम लेते हैं जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो जो इस एफ वन का dw होगा वो हो जाएगा एफ डॉट डी एस क्या है फोर्स भी टेंजेंशियल है डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है तो एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ वन एफ वन इंटू आर वन डी थीटा और एफ वन इंटू आर वन इज वॉट टाउ डी थीटा

ऑब्जेक्ट अगर रोटेट सर so, वो f क्रॉस r ना होता है टाउ हां तो f1 डॉट r भी ले सकते हैं नहीं नहीं डॉट नहीं है डॉट तो हो गया f ds cos थीटा f ds cos थीटा तो यहां पे r क्रॉस f यहां सर्कुलर प्योर रोटेशन हो रहा है सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं तो फोर्स और r के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री तो f 90 डिग्री f1 तो r परपेंडिकुलर लिख रहे हैं हम r परपेंडिकुलर ही है ये r1 इसलिए उसको टॉर्क लिख दिया ठीक है yes, तो ये हो गया रोटेशनल वर्क डन जैसे ट्रांसलेशनल होता था तो अभी हम यहां से लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए रोटेशनल वर्क डन वॉट इज ट्रांसलेशनल वर्क डन ट्रांसलेशनल वर्क डन एफ 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 फोर्स डिस्प्लेसमेंट डॉट डॉट डी एस का इंटीग्रेशन वैसे यहाँ पे होता है टाउ इंटू डी थीटा टाउ इंटू डी थीटा अब सेम काइनेटिक एनर्जी तो हमें लिखना पता ही है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखा था

ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोटेट कर रहा है फोर्स वर्क करता ही जा रहा है तो वो क्या करेगा वो उसको काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी वो लूज करेगा तो किसी भी फोर्स का जितना रोटेशनल वर्क डन होगा वही क्या होगी चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पहले क्या था ट्रांसलेशन के लिए हमारा सेम था वर्क एनर्जी थ्योरम इन प्योर रोटेशन ऐसा बोल सकते हैं इट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम इन प्योर रोटेशन तो कुछ अलग नहीं हुआ है चीजें वही हैं बस वहां पे सिंबल चेंज है कि रोटेशन में जो पैरामीटर्स हैं एनर्जी हो 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 गया हो गया हो गया इज टू आई अल्फा गया तो ऐसे ऐसे ये इसके पैरामीटर्स हैं इसमें से डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये आ सकता है कि डेराइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सलेशन या डेराइव टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा छोटा सा कोई क्वेश्चन तो वो है बाकी सारा कुछ नहीं आएगा <coughs> तो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करूंगा सेम टाइप का कि जैसे मान लो यहाँ पे वही जो सपोर्ट था जैसे मान लो ये एक रॉड है रोटेशन में तुम्हें एक चीज और बता दे रहा हूं इसमें। उसके बाद हम करेंगे। प्योर रोटेशन अगर कभी भी होता है तो प्योर रोटेशन को हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं प्योर रोटेशन कुछ जरूरत नहीं है ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है बस समझने के लिए कि अगर प्योर रोटेशन कभी भी किसी भी रिजिड बॉडी का होता है तो प्योर रोटेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में एक थ्रू सेंट्रोडल एक्सिस एक्सिस दूसरा है नॉन सेंट्रॉयडल एक्सिस नॉन सेंट्रॉयडल एक्सिस क्या है सेंट्रॉयडल एक्सिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास बस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास और नॉन सेंट्रॉयडल का मतलब एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू तो ठीक है 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 वो है, मतलब मतलब <laughs> तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कि करो ये rod है, एक rod है, और ये एक और मतलब, ऐसी axis के अबाउट रोटेट कर रहा है जो कि इसमें center of mass से पास कर रहा है और नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है कि, कि किसी एंड से हम मान सकते हैं कि मान लो कि ये इस एंड के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये जो है सेंट्रोइडल है सेंट्रोइडल है इस ऑब्जेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हो सकता है ये जो है नॉन सेंट्रोइडल है तो इन दोनों केसेस में तुम्हें डिफरेंस बस इतना ही है कि किस केस में एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा ये बता सकते हो कि जब सेंटर ऑफ मास से पास करा है तो सेंटर ऑफ मास तो एक्सिस पे ही लाई करेगा जब सेंटर ऑफ मास एक्सिस पे लाई करेगा तो वो तो रोटेशन में जाएगा ही नहीं जब रोटेशन में जाएगा नहीं तो क्या होगा एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा अगर नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस होगी नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस में एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पे तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे जाएगा सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो इसके पास जो है टेंजेंशियल भी हो सकता है रेडियल भी

होगा ठीक है तो एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज होना चाहिए अब मान लो इसको हम अप्लाई करते हैं इसको अप्लाई करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हॉर्जेंटल है रॉड इज इन हॉर्जेंटल पोजीशन और ये हिंज्ड है इस पॉइंट के अबाउट और ये एंड को हमने स्ट्रिंग से अटैच करके यहां से सस्पेंड किया था मास हॉर्जेंटल पोजीशन से हॉर्जेंटल अच्छा सोच के आंसर देना चाहो तो भी दे सकते हो <coughs> सोच के यहां से इसके अंदर भी आंसर आएगा अंदर से वो बता सकता है सपोज दिस स्ट्रिंग इज सडनली बर्न्ड सडनली क्या किया गया इसको कट कर दिया गया कट कर दिया गया तो फाइंड द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कटिंग एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कटिंग तो कोई अपने इंट्यूशन से बता सकता है करना क्या है कट किया तो अल्फा तो जीरो ही है ठीक लग रहा है कट किया तो तो रेस्ट में है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था और वहां से हमने स्ट्रिंग को ऐसे कट कर दिया ऐसे कट कर दिया ऐसे गिरना स्टार्ट करेगा तो कट करने के बाद फिर फिर, फिर एक्ट होगा शायद अल्फा जीरो एक नहीं लग क्या लग रहा है अल्फा जीरो नॉन जीरो इतना बताओ बस सॉल्व तो करेंगे ठीक है कई के मन में तो होगा ही कि जीरो होगा अल्फा जीरो नहीं है अल्फा और ओमेगा को तुम कंफ्यूज करते हो ठीक है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स पार्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो जैसे वर्टिकली हम प्रोजेक्ट करते तो हाइएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलॉसिटी जीरो है एक्सेलरेशन नहीं सेम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी एंगुलर वेलोसिटी है रॉड रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है जब रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है तो इसका ओमेगा जीरो है अल्फा कैसे हम देखेंगे अल्फा डिपेंड्स ऑन टॉर्क तो टॉर्क देखने के लिए हमें ट्रॉ करना होगा फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यहां से हिंज है हिंज से हिंज रिएक्शन हमेशा क्या करेंगे हॉर्जेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई ऐसे डिनोट करेंगे दूसरा जो है सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करता है एम जी यहाँ से ये यह कट हो चुका है ये कट हो गया तो यहाँ से टेंशन हो गई जीरो अब अब इसमें हम जो भी है इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कैसे कि कट करने के बाद ये एक्सेलेट हो रहा है तो टॉर्क कितना होगा किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है इस हिंच पॉइंट के अबाउट व्हाट इज टॉर्क तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है रिएक्शन फोर्स का टॉर्क तो जीरो है टॉर्क ड्यू टू एम जी, हो जाएगा एम जी इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी इंटू एल बाई टू ये टॉर्क और इसका जो है एक्सलेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पॉइंट को लिया एल्फाइस तो जिस पॉइंट जिस एक्सिस के जिस एक्सिस के बहुत रोटेशन होगा हम इसमें नहीं फ्री है कि, कि, किसी किसी पॉइंट को नहीं ले सकते किसी पॉइंट को ले सकते ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे क्या है रोटेट कर रहा है तो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है हिंज पॉइंट के अबाउट है तो हमेशा हम टॉर्क और मोमेंट ऑफ किसके अबाउट देखेंगे जिस एक्सिस के अबाउट है टॉर्क एक्सिस इसीलिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखना है टॉर्क हमने देख लिया रिएक्शन का जीरो हो गया एम जी का mg into l by 2 mg l by 2 is equal to i axis i rod ka moment of inertia about this end is ml square by 12 ml square by 3 rod can be about more ml square by 3 so this ml yes, ml so alpha is equal to 3g by 2l alpha is equal to 3g by 2l

ये yes, हाँ तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है yes. हाँ बोलो थ्री जी बाई टूए थ्री जी बाई टूएल्व हाँ 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 थ्री जी बाय एल है थ्री जी बाय तो अल्फा हुआ थ्री जी बाय एल फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास जा रहा है सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो होता है दो एक्सलेशन एक होता है सेंट्रपिटल एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर आर और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सलेशन अल्फा इन टू आर बट यहाँ पे रॉड ने जस्ट रोटेशन स्टार्ट किया है तो ओमेगा है जीरो ओमेगा जीरो तो सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ है अल्फा इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एक्सलेन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इज इक्वल टू अल्फा एल बाई टू एंड अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो यह हो जाएगा थ्री जी बाई फोर थ्री जी बाई फोर थ्री जी बाई फोर सो एक्सलेशन ऑफ सेंटर तो अब पूछा जाएगा कच्चा ये ऐसा तो कर दिया तुमने क्या और किसी डायरेक्शन में है एक्सलेशन प्योर रोटेशन में तो दो ही एक्सलेशन है ये ऐसे है तो देन पूछा जाएगा फाइंड दिएक्शन फाइंड रिएक्शन चेंज रिएक्शन मतलब आर एक्स आर वाई फाइंड करना है तो अब इसमें सबसे खास बात यह है कि ये रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस रिजिड बॉडी पे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मैंने ये अप्लाई किया है आर एक्स आर और एम जी है ना अब इस रिजिड बॉडी पे अगर मैं F इज इक्वल टू एम ए लिखता हूं क्योंकि तो ये तो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ये मूव कर रहा है अब अगर मैं इस रिजिड बॉडी पे F इज इक्वल टू एम ए लिखता हूं तो मुझे A कौन से पॉइंट का लिखना चाहिए एक क्या होगा कोई भी एक सिस्टम कोई, कोई भी अगर सिस्टम है सिस्टम सेंटर ऑफ मास में क्या बताया कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं वो किसके सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर हम नेट फोर्स लिखते हैं तो वो एक्सलेशन किसका देता है सेंटर ऑफ मास का अगर हम सिस्टम सिस्टम किसी भी में कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है अगर उस पर हम नेट फोर्स देखते हैं तो, वो किसका देगा? का, और इसी बेसिस पे तो लिखा था मोमेंटम कंजर्व है सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा बहुत बहुत वो बोट और मैन या प्लैंक मैन वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे तो हमेशा किसी रिजिड बॉडी पे अगर हम नेट फोर्स लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इन ऑफ सेंटर ऑफ मास

तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन मिलेगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का हॉर्जेंटल में कोई एक्सलेशन नहीं है तो हम लिखेंगे नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू मास इनटू टू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो इक्वेशन नंबर वन यहाँ से हॉर्जेंटल कॉम्पोनेंट आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी एंड आर सेंटर ऑफ़ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स ऑन द रॉड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज़ जी माइनस आर वाई तो जिसको जिसको भी फील हो रहा होगा कि अच्छा आर वाई इक्वल टू एम जी नहीं लिख सकते हो एम इन टू ए इज़ थ्री जी बाई फोर थ्री जी बाई फोर ए हमने फाइंड कर लिया है, तो आर वाई टू आर वाई टू एम जी माइनस थ्री जी बाई फोर तो ये वैल्यू पॉजिटिव so मतलब जो हमारा एज्यूम्ड सेंस है वो करेक्ट है और ये है इसका मैग्नीट्यूड सो रिएक्शन फोर्स द दिज एक्स कॉम्पोनेंट तो जीरो है आर एक्स जीरो है आर वाई ही केवल है और आर वाई की डायरेक्शन इधर ये वाला एक और नहीं। नहीं। किसी भी सिस्टम रिजिड बॉडी पे अगर हम नेट फोर्स इक्वल टू मासन लिख रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे बहुत सारे कर रहे हैं तो वो किसके एक्सलेशन को गवर्न करते हैं या एक्सटर्नल फोर्सेज से किसका एक्सलेशन डिसाइड होता है उसका एक्सलेशन डिसाइड होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन डिसाइड होता है तो कभी भी हम किसी रिजिड बॉडी पे रोटेशन कर रहा हो ट्रांसलेशन कर रहा हो जो भी है अगर रिजिड बॉडी है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टू एक्सलेशन और वो एक्सलेशन होगा सेंटर ऑफ मास का अब यहाँ पे प्योर रोटेशन प्योर रोटेशन में हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन लिख लिया सेंटर ऑफ मास का कौन कौन सा एक्सलेशन पॉसिबल है दो एक्सेलेरेशन पॉसिबल है कौन से सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल क्यों सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो टेंजेंशियल भी हो सकता है सेंट्रीपिटल भी हो सकता है तो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो वहां से हमने सिर्फ देखा कि टेंजेंशियल है अब इसका एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास का ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ax 0 है ay कुछ है 3g 3 अल्फा 3g 4 3g 4 अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लिया नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स अलॉन्ग वाई नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो एम जी डाउनवर्ड है आर है एम से लिख दिया सॉल्व कर लिया तो so, ये रिएक्शन फोर्स आ गई एम जी समझे हम्म यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो ये हुआ इसका टॉर्क और ये हुआ रिएक्शन फोर्स एम जी एम जी का टॉर्क हुआ अब यहां से ये रोटेट करेगा ठीक है अब इसका रोटेशन स्टार्ट होगा तो पहले रिएक्शन फोर्स कितना था बिफोर कटिंग बिफोर कटिंग कोई बता सकता रिएक्शन फोर्स कितना था

उतना MG का टॉर्क होगा डायरेक्शन में जैसे तो मतलब, जैसे ही टेंशन कट हुआ वैसे ही क्या हो गया स्ट्रिंग कट हुई इसके ऊपर लोड आर वाई क्या हो गया एम जी बाई टू से एम जी बाई चेंज हो गया समझ रहे हो तो इसी क्वेश्चन का एक मैं दूसरा फॉर्मेट तुम्हें बता रहा हूं कि सेम ही क्वेश्चन है तुम्हें तो ऐसे दिया हुआ रहेगा कि दो पर्सन है और वो कोई रॉड या कोई प्लैंक कैरी कर रहे हैं ऐसे सिमेट्रिकली दो पर्सन है दोनों लेके ऐसे जा रहे हैं दोनों लेके जा, ले जा रहे हैं तो दोनों पे क्या होगा दोनों से रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा एन वन एन टू दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन होगा एन वन एन टू और एम जी तो यहाँ पे भी हम नेट फोर जीरो नेट टॉर्क जीरो करके क्या बता सकते हैं N1 वन इक्वल टू एन टू इज इक्वल टू एम जी बाई टू हाफ हाफ लोड कैरी कर रहा है अब ऐसा दिया होगा कि भाई तुरंत एक आदमी क्या करता है छोड़ के भाग जाता है या सडनली वहां से प्लैंक छोड़ के हट जाता है या सडनली रिप्लेस कर दिया गया तो दूसरे पर्सन के ऊपर लोड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मान लो दो लोग दो लोग जो हैं क्या ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम है यहाँ पे रिएक्शन एंड टेंशन था यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे स्ट्रिंग कट हुई है यहाँ पे पर्सन भाग गया है पर्सन भाग गया है तो दोनों में हम सेम ही क्वेश्चन लिखेंगे जब पर्सन भाग गया है तो जो प्लैंक है वो तो रोटेट करेगा